ओवर ब्रिज कस्टम से बुला बस स्टैंड का टेम्पो स्टैंड का समझिए ठेला स्टैंड का सब्जी मार्केट फल मंडी सबसे बड़ी समस्या। अच्छा क्या लगता है कि प्रतिनिधि जो इस बार आए हैं चुनावी मैदान में जो आए हैं प्रतिनिधि जो इस समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उनको जीतने के बाद पता चलेगा। और फिर भी वैसा कुछ अनुमान लगता है कि नहीं किस प्रतिनिधि को अगर हम चुनेंगे तो वो इस कार्य को कर सकेंगे? हाँ दो आदमी तो लोग रहे हैं, एक तो बाबू मनोरंजन सिंह गाजीपुर का और दूसरा गुप्ता जी है जो पूर्व से चेयरमैन। एक दोनों आदमी में कोई भी अगर आपकी बार निकलेगा तो जिता मतलब इस दोनों में चाहे तो बता है काम विकास करेंगे लगता है। चौक पर लाइट लगाया गया है अभी तो लाइट दिन में जल रहा है, ये किसकी लापरवाही है? वो तो प्रशासन की लापरवाही है। नल से पानी आ रहा लेकिन नल पानी जोड़ गया मोटर जोड़ गया और कौन बात कर रहा है? हम 23 नंबर वार्ड। तो कहते कहीं ना कहीं इस तरह का जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड के लिए 18,000 रुपया पास हुआ है और इस तरह का बोर्ड कहीं सुरक्षित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं कहीं पर भी नहीं है। 26,800 कुछ रुपया पास हुआ है। हाँ पास हुआ है एक बोर्ड का और कहीं पर भी पूरा विक्रम नहीं है एक भी आप सुरक्षित नहीं दिख रही है। अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज में और विक्रमगंज का ये तेंदुनी चौक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेंदुनी चौक पर फुहारा लगाया गया है जो कि पहले ये फुहारा लगाया गया है वो अब तक चालू ना हुआ है। इसको लेकर के तमाम तरह की अभी विक्रमगंज में समस्याएं मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिन में लाइट जल रहा है और ये एक कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है। सामने मैं और भी आपको समस्याएं दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाया गया इस पर यहाँ से दूरी लिखा गया था कि बक्सर इतना दूरी है और नवानगर इतना दूरी है मलियाबाद इतना है, लेकिन ये तमाम दिखाई लगाई गई इसको समाज दिया गया है और समाज का चेक किया गया है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। आप देख सकते हैं कि शहर में अभी भी काफ़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कचरे की समस्या बन रही है। अभी आप देख सकते हैं कि लाइट के दिन में जल रहा है। बाकी और भी क्या इधर आइए। बाकी मैं आपको और भी देख सकते हैं जो बोर्ड लगाया गया है कहीं ना कहीं एक बोर्ड का जो खर्च है लगभग 12,000 से 18,000 रुपए इसका पैसा पास किया गया है और इस तरह की तमाम शहर में हर वार्ड में इस तरह का बोर्ड लगाया गया है जो कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस तरह की एक बोर्ड नहीं लगभग बहुत सारे बोर्ड है इसको लेकर के काफ़ी समस्याएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में कचरे की समस्या है, किस तरह से नहर एकदम कचरा का अंबार से जाम हो गया है और इस तरह की समस्याएं बरकरार है। अभी विक्रमगंज में एक से बढ़कर एक जो समस्या है विक्रमगंज में अभी भी मौजूद है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो प्रतिनिधि जो होते हैं तमाम तरह के वादे करते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो शहर में ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई भी प्रतिनिधि अपने वादे पर नहीं रह पाता है और अपने वादे से मुकर जाते हैं। इस तरह की समस्याएं जो है शहर में जो कि क्यों पड़ी की पड़ी रह जाती है और जो कि सभी लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार होते हैं और सभी लोग भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं और इस तरह की जो समस्याएं हैं शहर में वर्षों से बनी हुई है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या जो कि काफ़ी एक लंबे समय से पड़ी हुई है जाम की समस्या। इसे देख कर जिसे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये तेंदुनी चौक है और जिस तेंदुनी चौक पर न तो कोई ट्रैफिक पुलिस है सुचारू रूप से, न तो कोई ट्रैफिक पुलिस कार्य करता है। अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कैसे कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पानी का बहुत दिक्कत रहा पानी पानी के दिक्कत हाँ थाना पर पानी का बहुत दिक्कत नल जल नल जल नल जल से पानी आवे लेकिन नल पानी जोड़ गया मोटर जोड़ गया और कौन वार्ड में रह गए? हम 23 नंबर वार्ड 23 नंबर वार्ड हाँ 23 नंबर वार्ड में पानी ना पानी का समस्या हमारे पास भी है। पानी का समस्या हम लोग के वार्ड नंबर 4 में है। टंकी आता है मात्र 5 मिनट पानी देता है फिर बंद 5 मिनट दो बार आता है 5 मिनट देता है उसके बाद बंद। अच्छा
पे कहते कहीं ना कहीं इस तरह का जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के लिए 18,000 रुपया पास हुआ है, तो इस तरह का बोर्ड कहीं सुरक्षित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इसका कीमत है 26,800 कुछ रुपया पास हुआ है। हाँ, पास हुआ है एक बोर्ड का, और कहीं पर भी पूरा विक्रम में एक भी अब सुरक्षित नहीं दिख रही है। चौक पर लाइट लगाया गया है अभी, तो लाइट दिन में जल रहा है, ये किसकी लापरवाही है? ये तो प्रशासन की लापरवाही। इसको तो ऐसा रहना चाहिए दिन हो तो लाइन कट जाए, रात हो तो बदल जाए। अच्छा, विक्रम अंदर और किस तरह की समस्याएं अभी मौजूद है? अभी मौजूद है यहाँ पर ओवर बस स्टैंड का, टेम्पो स्टैंड का, समझ गए, ठेला स्टैंड का, सब्जी मार्केट, फल मंडी, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, क्या लगता है कि प्रतिनिधि जो इस बार आए हैं चुनावी मैदान में जो आए हैं प्रतिनिधि, तो इस समस्याओं का समाधान करेंगे? अब तो जीतने के बाद पता चलेगा। और फिर भी वैसा कुछ अनुमान लगता है कि नहीं, इस प्रतिनिधि को अगर हम चुनेंगे तो वो इस कार्य को कर सकेंगे? हाँ, दो आदमी तो लोग रहे हैं, एक तो बाबू मनोरंजन सिंह गाजीपुर का और दूसरा गुप्ता जी है, दो पूर्व से चेयरमैन। ये दोनों आदमी में कोई भी अगर आपकी बार निकलेगा तो विकास मतलब इस दोनों में चाहे जो बनता है तो विकास करेंगे लगता है। एग्जाम की समस्या, ये जो सड़क के किनारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अस्थायी रूप से दुकान नहीं मिल पाता है। ये जो है दुकान, अगर इसके पहले 4 स्कूलों पहले रोड से 27 फीट की दूरी पर एक फुटपाथ की दुकान लगाई थी, 27 फीट की दूरी पर रोड से नाप लिया जाए 27 फीट की दूरी, पास हुआ है रजिस्टर में मिलते हैं कि हाँ, और आम पब्लिक और स्कूलों और जाट पालक पदाधिकारी सभी लोगों का मीटिंग हुआ था, उसमें रोड से 27 फीट की दूरी पर दुकान लगानी थी, आज ये 27 घेरा गया था। वो सीकर से भी एक मैडम आई, मैडम का नाम याद नहीं, वही बोर्ड लगवाई है। अच्छा, फिर सारा सीकर कबरवा दी, कबरवा के फेंकवा दी। इसका नतीजा क्या होगा, जितने भी ठेला वाले हैं वो आगे बढ़ गए, अगर आज भी लोग को सफाई की दूरी पर उसको लगवा दिया तो जंगल में सब फुहारा लगा हुआ है, मुश्किल जी का कल जोड़ी आया, पानी दिया, उसके बाद बंद अब सजावट रुक नहीं लगा। हाँ, बस उसमें भी मशीन रोकना के ले गया सब सबको बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाचा ने हमारे साथ